देशभरातील विविध राज्यांमध्ये पोलीस पथकांवर अतिरिक्त जबाबदारी आली आहे. दारू विक्री सुरू झाल्यानं या दुकानांसमोर झुंबड उडाली. ही गर्दी आवरण्याचं कामही आता पोलिसांना करावं लागतंय. देशाच्या विविध राज्यातील या स्थितीचा आढावा घेणारा हा रिपोर्ट पाहूयात. राजस्थानमध्ये रेड, ऑरेंज, ग्रीन या तिन्ही झोनमध्ये मद्यविक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मद्यविक्रीसाठी दुकानं 10 वाजता उघडणार होते, मात्र राजस्थानमध्ये सकाळी 8 वाजल्यापासूनच रांगा दिसून आल्या. जयपूर, कोटा आणि अजमेर या ठिकाणी फिजिकल डिस्टन्सिंगचे नियम तोडण्यात आले. या ठिकाणी पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. राजस्थानमध्ये 6,000 दारूची तर 1,000 विदेशी दारूची दुकानं असल्याचं अबकारी विभागानं सांगितलेलं आहे. छत्तीसगड सरकारनं मद्यविक्री संबंधी मोठा निर्णय घेतलाय. मद्याची घरपोच सेवा या राज्यानं सुरू केली आहे. हा निर्णय छत्तीसगड सरकारनं केवळ ग्रीन झोनसाठी घेतलाय. छत्तीसगडमध्ये एक ग्राहक एकावेळी 5,000 मिलीलिटर दारू खरेदी करू शकेल. याशिवाय छत्तीसगड सरकारनं घरपोच सेवेसाठी 120 रुपये शुल्कही निश्चित केलंय. मद्य खरेदीसाठी आधार क्रमांक देखील अनिवार्य करण्यात आलाय. दिल्ली सरकारनं मद्यविक्रीसाठी 70% अतिरिक्त कर आकारलाय. याशिवाय दिल्लीमध्ये पेट्रोल डिझेलच्या किमतीमध्ये देखील वाढ झालेली आहे, त्यामुळे आम आदमी पार्टीच्या सरकारवरती टीका होती आहे. विभाग कौन है, राज्य सरकारों को इस पर सख्ती करनी चाहिए. कोरोना वायरस को हराना है तो सेल्फ डिसिप्लिन करना होगा. आपको खुद घर में रहना होगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के केस बढ़े हैं, इसको लेकर सब कुछ चिंता है. सरकार को अभी तो लोगों को रिलीफ देना चाहिए, और रिलीफ देने की जगह वो डीजल के पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है. अभी कम से कम आपने शराब पे एमआरपी से ज्यादा लिया, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम पेट्रोल डीजल को तो मत छुइए. क्या कर रहे हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, कुछ काम भी करेंगे? कल किस तरह दिल्ली में लॉकडाउन टूटा है, किस तरह नियम की धज्जियां उड़ाई गई हैं, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, न कि पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए. कांग्रेस पार्टी सिर्फ बयानबाजी कर रही है, पब्लिसिटी के लिए बातें करती है. दिल्ली मध्ये एका व्यक्तीने किती मद्य विकत घ्यायचे याचे देखील निकष पाळण्यात आलेले नाहीत, त्यामुळे काही ग्राहकांनी तक्रार केलेली आहे. अनेक ग्राहकांनी रांगा मोडून दुकानात घुसखोरी केल्याची टीकाही झाली. मैं कहना ये चाह रहा था कि इतनी देर से लाइन में लगे हैं, जो कि लोग पेटियों की पेटियां बाहर ले जा रहे हैं, वो किस बेस पे, वो क्यों ले जाने दिया जा रहा है बिना लाइन के, और सप्लाई कौन कर रहा है वो देखा जाए. मैं विटनेस दे सकता हूँ, मेरे पास विटनेस है, बावर्दी सप्लाई हो रही है. आप ये चेक करो कि अब लाइन में है या बिना लाइन के दे रही है. लाइन तो लगी है, अभी लाइन लगी, अभी आगे देखना आप क्या हो रहा है. ये आप आगे देखो भाई साहब, एक मिनट शांति रखो अपने बोलो. सुबह 6 बजे खड़ा हूँ जी मैं तो, अब आप जाके नंबर आने वाला है. अभी कह रहे लंच हो गया है, खाना वाना खा रहे हैं, खड़े हैं, अगर मिली तो ठीक है, नहीं तो घर चले जाएंगे अपने. एक बोतल चाहिए जी बस, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बोतल चाहिए, एक बोतल मिल जाए. दिल्लीमध्ये पोलीस पथकाला आज एकच काम होतं, ते म्हणजे मद्य विक्री करणाऱ्या दुकानांसमोरची गर्दी रोखणं. दुकानदारांनाही ही गर्दी आवरण्यासारखी नव्हती. सोशल डिस्टन्सिंग, आरोग्याच्या इतर दक्षतेचा दावा दिल्लीतील दुकानदारांना केलाय, मात्र प्रत्यक्षात ग्राहकांच्या रांगांमध्ये डिस्टन्सिंग दिसून आलेलं नाही. सोशल डिस्टन्स का जो पालन कर रहे हैं, और हमारे जितने भी कस्टमर हैं वो क्यू में हैं, और कोई दिक्कत नहीं कर रहे. अगर दिक्कत पैदा करेंगे तो हम भी और की तरह ही जो है वो करेंगे, तो ये हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, तो हम इनको कर रहे हैं. सर, ये कोई लिमिट दी है गवर्नमेंट ने कि एक आदमी पे एक आध बोतल है, कोई कितनी भी लगा सकता है? जो एक्साइज का रूल है उसी को फॉलो कर रहे हैं हम. क्या है रूल सर, एक्साइज का रूल क्या है? 9 लीटर बोतल एक आदमी, और बियर वगैरह, बियर की 1 बोतल, 1 पेटी. अभी कोई परेशानी हुई है आपको सुबह से लेकर अब तक? हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं हुआ अभी थोड़ी, स्मूथ चल रहा है, क्योंकि जो पुलिस वाले हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, और जो स्टाफ है वो हमारा जो पूरा कोऑपरेट कर रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, जैसे ये चल रहा है उस हिसाब से तो चलता रहे तो ठीक है. मद्य विक्री आणि काही दुकानं सुरू करण्याची मुभा दिल्ली सरकारनं दिली, मात्र आता हा मुद्दाही राजकारणाचा झालाय. आम आदमी पार्टी विरुद्ध भाजप असा वाद आज दिल्लीमध्ये दिसून आलाय.
नागरिक शिस्त पाळतील हे गृहित धरणं चुकीचं होतं असंच दिसून आलंय. शिवाय दिल्ली राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवल्यानं पेट्रोल डीलर्स असोसिएशननं नाराजी व्यक्त केली आहे. मुताबिक जिस मंशा से या जिस टारगेट से दिल्ली सरकार ने ये दाम बढ़ाया है वो शायद पूरा ना हो सके, क्योंकि एक सरकार का दाम बढ़ाने का जो टैक्स बढ़ाने का कारण है वो यही है कि अब उसके अंदर उनको अपनी जो डेफिसिट है बजट के लिए या पैसा चाहिए सेक्टर से और रेवेन्यू के तौर पर ले सके और टैक्स बढ़ा के. तो मेरे मुताबिक जो हमारा पुराना अनुभव रहा है डीलर्स में कि जब भी ये दाम किसी और पड़ोसी राज्य से जब भी ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा भी 7 रुपये ज़्यादा हो गए तो मुझे लगता है कि जो इस वक्त सेल है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी दिल्ली में, कम से कम डीजल की, और पेट्रोल में भी बहुत मार आएगी, क्योंकि हर कोई आदमी आज पैसे बचाने के लिए देखते हैं कि आप पैसा जो है वो बचाने के लिए इजीली जाकर दूसरी जगह से पेट्रोल ले सकता है, और बल्कि उसका गलत परिणाम भी हो सकता है कि बाहर से लोग ला ला कर दिल्ली में बेचना शुरू कर दें पेट्रोल डीजल. तो ये कार्यक्रम जो है वो मुझे लगता है कि ये जो आप सरकार का निर्णय है ये थोड़ा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे डीलर्स के लिए जो है वो बहुत अच्छी बात नहीं है. और जो डीलर पहले ही पिछले 2 महीने से तो बिल्कुल 10% सेल थी, अब जो है मेरे ख्याल से ज़ीरो ही रह जाएगी जो डीजल के, जब तक डीजल की बात है. फ़र्क है कि कहीं पर ये 5 रुपये बढ़ रहा है, कहीं 7 रुपये बढ़ रहा है, कहीं 2 रुपये या 3 रुपये बढ़ रहा है, तो उससे डिफरेंस जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट जो लगी हुई है उसमें आने से रातों रात जो है पेट्रोल पंप की जो सेल है वो दूसरे राज्य में चली जाती है. उससे एक जो हमारा सेटअप इतना अच्छे से बना हुआ है हमारे इन्वेस्टमेंट वो ख़त्म हो जाती है. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारी एक ही व्यवस्था रहे, एक ही रेट रहे हिंदुस्तान में. ये हमारे डीलर्स के लिए भी हक में है, ये पब्लिक के लिए भी हक में है, और जो ज़रूरी वस्तुएं हैं जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट उससे ठीक रहे ये ग्राहक के भी हक में है. लॉकडाऊनच्या 3रा टप्प्यात देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्याच्या दृष्टीनं निर्णय होणं गरजेचं होतं. मद्य विक्रीला मुभा देऊन महसूल वसुली होईल हे कारण सांगण्यात आलं, त्यापेक्षाही मोठी किंमत आज देशाला चुकवावी लागली कारण सर्व पोलीस यंत्रणा ही दारू दुकानांसमोरची गर्दी रोखण्यात व्यग्र राहिली. शिवाय फिजिकल डिस्टन्सिंगचे नियमही तोडण्यात आले. अनेक ठिकाणी पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. शिवाय पोलिसांना गर्दीत उभा राहून काम करावं लागल्यानं त्यांच्याही आरोग्याला धोका निर्माण झाल्याचं दिसून आलं. ब्युरो रिपोर्ट, AM न्यूज.